नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में एनआरआई के घर से लाखों के हीरे और सोने के गहने चोरी, बिना ताला तोड़े दिया वारदात को अंजाम। चंडीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते बेटे को मारने आए 5-6 युवकों से उसे बचाते हुए पिता की गई जान। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र होगा 1 या 2 दिन का, फैसला आज कैबिनेट बैठक में संभव। पटियाला में बीच सड़क पत्नी का हाथ काटने की कोशिश कर रहा था शराबी, भीड़ ने पीट पीट कर किया अधमरा, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री आज से होगी शुरू, एक नए सॉफ्टवेयर के तहत होगा काम। हरियाणा के पलवल में एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। हमीरपुर में रिश्वत लेते हुए कानूनगों का वीडियो हुआ वायरल, 2 लाख रुपए की कर रहे थे मांग। बेंगलुरु हिंसा में दोषियों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई करेगी कर्नाटक सरकार, सीएम येदुरप्पा ने लिया फैसला। बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने के बिहार सरकार ने दिया आदेश। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।